हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईएसई गेट कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग आईसीटी का पहला लेक्चर देखेंगे। ठीक है, मैंने आईसीटी के पिछले लेक्चर में आप लोगों को आईसीटी में क्या पढ़ना है उसका पूरा ओवरव्यू दिया था। ठीक है, तो हम लोग आज पहला चैप्टर शुरू करेंगे आईसीटी का। आईसीटी फुल फॉर्म क्या था? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैंने आपको सबसे पहले बताया था जब सिलेबस डील कर रहे थे पिछले लेक्चर में कि मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कहां से, इसका पहला चैप्टर से। वो क्या था? टूल्स ऑफ आईसीटी। और इसमें क्या क्या बताने वाला था? इसमें मैं बताने वाला था आपको, बहुत सारा टॉपिक था, जैसे कि पहला था पोस्ट, फिर था क्या ऑडियो रेडियो, फिर क्या था टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज मैं देखिए ये टूल्स ऑफ आईसीटी पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको और बैकग्राउंड दूंगा आज। ठीक है, कि ये आईसीटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कुछ ऐसे ही है, एग्जाम के लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा इससे आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए क्या हुआ था, आईसीटी की ज़रूरत कैसे पड़ी, कैसे आया आईसीटी। क्या हुआ था कि कोई भी किसी भी देश की जो सरकार होती है वो अपने नागरिकों को गुड गवर्नेंस देना चाहती है। ठीक है, और इस गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है। आप राम राज्य इसका नाम सुने थे, लोग कहते थे कि मुझे अपने देश में राम राज्य स्थापित करना, मतलब क्या, ये एक गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल था। ठीक है, ऐसे फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैनिज्म, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब जितने भी एंशियंट टेक्स्ट हैं सभी के अंदर गुड गवर्नेंस के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या है कि अपने देश में ये जो गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट था ये एज ए पॉलिसी, ठीक है, गुड गवर्नेंस एज अ पॉलिसी, ठीक है, इसका जो ये जो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, मतलब इसका जो फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट अपने देश में आया था वो आया था 1991 में। उस समय क्या हुआ था, उस समय बहुत पूरी दुनिया में अगर देखिएगा तो बहुत सारे घटनाएं हुई थी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया। यही वो फर्स्ट रीजन था जो जिसकी वजह से अपने देश में आईसीटी मतलब गुड गवर्नेंस के लिए आईसीटी का उपयोग शुरू करने में फाउंडेशन स्टोन किया, मतलब कि पहला जो बीज था आईसीटी का यहीं से बोया गया था। क्या हुआ था कि हम लोग अपने देश में आज़ादी के बाद से विदेशी मार्केट को खोले हुए नहीं थे। ठीक है, लाइसेंस राज चलता था, मतलब कि अगर आपको विदेश से कुछ भी मंगाना है तो आपको क्या करना पड़ता था, उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, कितना अमाउंट मंगाना है, कितना वापस भेजना है, कितना लाना है, सबके लिए परमिशन लेना पड़ता था। तो ये जो व्यवस्था था ये बहुत ही गंदा सिस्टम था, क्योंकि हम लोग डरे हुए थे कि आज़ादी, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है, अंग्रेज व्यापार के बहाने ही अपने देश में आए थे, तो इसलिए हम लोग वापस से
उदारीकरण की नीति को अपने देश में लागू नहीं करना चाहते थे, तो हम लोग अपने मार्केट को बंद करके रखे हुए थे। क्या हुआ 1991 में, हमारा क्या होता था कि देश में जितना भी इम्पोर्ट होता था 1991 तक, वो क्या होता था कि हम लोग डिपेंडेंट थे, खाड़ी देश पर डिपेंडेंट थे तेल के लिए, पेट्रोलियम ऑयल्स प्रोडक्ट के लिए, और बाकी जो भी चीज़ हम लोग मंगाते थे वो मंगाते थे सोवियत यूनियन, मतलब कि अभी जो रसिया है, ठीक है। ये पहले काफ़ी एक यूनियन हुआ करता था, काफ़ी 10-12 देशों का समूह था, तो वो लोग भारत का उस वहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार चलता था। तो क्या हुआ कि 1991 में इस सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, जिसके कारण अब हमारा क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गए, देश के अंदर अपना कुछ फैक्ट्री थी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था नहीं, हम लोग सभी चीज़ बेसिक चीज़ों के लिए भी हम लोग दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट थे। तो इसी वजह से हमने एक बड़ा फैसला लिया, क्या लिया, हमने अपना मार्केट खोल दिया 1991 में। हमने विदेशी कंपनियों के लिए, मतलब कि बाहर की कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आकर अपने देश में बिजनेस कर सकती थी, मतलब कि उदारीकरण की शुरुआत कर दी अपने देश में। इसके साथ साथ और भी क्या हो गया था इस इकोनॉमिक क्राइसिस में, कि अपने देश का जो फॉरेन रिजर्व था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब फॉरेन रिजर्व कम हो जाएगा तो आप किसी देश से कुछ खरीद ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास विदेशी मुद्रा है ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग प्रॉब्लम में फंस गए। तो फिर इसके लिए सबसे आगे आया IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। भारत ने अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए IMF से लोन लिया। इसके लिए क्या किया था, हमने अपना जो गोल्ड था, गोल्ड रिजर्व था, वो इसके पास गिरवी रखे थे, और इसके साथ इसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया। बोला कि ठीक है, आप आए हो, आप प्रॉब्लम में हो, आपको लोन दे देंगे, लेकिन आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वो टर्म्स कंडीशन क्या था, देखिए, IMF ने ये कहा कि अगर मैं आपको लोन दूंगा तो आपको मुझे वादा करना पड़ेगा कि आप अपने देश में गुड गवर्नेंस लाओगे, ठीक है। और इस गुड गवर्नेंस के अंदर क्या क्या देना पड़ेगा आपको, तो आपको अपने सिटीजन्स को बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जैसे क्या, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, ये सब। दूसरा क्या था, जेंडर इक्वलिटी को भी लागू करिए, ठीक है। तीसरा क्या था कि आप अपने नागरिकों को जॉब्स का भी, मतलब जॉब्स अपॉर्चुनिटी दीजिए, ऐसे करके टर्म्स कंडीशन था, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये बात समझ में आई, उस समय गवर्नमेंट को ये बात समझ में आई कि अगर मुझे इन सभी टर्म्स एंड कंडीशन को, जो IMF जिस टर्म्स पर मुझे लोन दे रहा है, इस सभी चीज़ों को अगर लागू करना है, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, गुड गवर्नेंस लाना पड़ेगा। और गुड गवर्नेंस तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि देश में ई गवर्नेंस ना आ जाए, ठीक है। ई गवर्नेंस लाने के लिए क्या चाहिए था, ई गवर्नेंस के लिए हमें ICT की हेल्प चाहिए थी, ठीक है। तो यहीं से डेवलपमेंट होता है ICT का अपने देश में। और उसके बाद फिर क्या हो गया, 2005, काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, इस साल क्या हुआ था कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू हुआ था, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू हुआ था। इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में इंफॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया, मतलब कि आपको जन सूचना का अधिकार दे दिया गया, ये आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया।
इंफॉर्मेशन को जब फंडामेंटल राइट्स बनाया गया, तो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाने से तो कुछ होता नहीं। इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए मुझे सबसे पहले टूल्स की ज़रूरत पड़ती। कौन से टूल्स की? आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। ये भी मदद किया आईसीटी के डेवलपमेंट में, ठीक है। और इसी वजह से 2006 में नेक्स्ट ईयर ही NEGP 1.0 लॉन्च किया गया, ठीक है। ये NEGP क्या था? नेशनल फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी नया नया सिलेबस चेंज हुआ तो UPSC फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ ले रही है। NEGP 1.0 इसका फुल फॉर्म था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 1.0, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या टारगेट किए कि अपने देश में जितने भी सरकारी संस्थाएं, ठीक है, उनको ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने मिनिस्ट्री है, सारी जानकारी आप ऑनलाइन वेबसाइट पर देख सकते हैं। फिर इसी चीज़ को अपग्रेड करके 2015 में जब नई सरकार बनी तो NEGP 2.0 लाया गया, ठीक है। इसमें क्या था? ये इससे भी अपग्रेडेड था। मतलब कि इसमें गवर्नमेंट क्या करती थी कि सिर्फ चीज़ों को ऑनलाइन उपलब्ध करा दी, ठीक है। लेकिन NEGP में क्या था कि इसमें कुछ मतलब ये तय किए गए, कुछ मानक तय किए गए कि मुझे इतना इतना टारगेट को पूरा कर लेना है, मेरा इतना प्लान होगा, ये सब चीज़। और इसी चीज़ को बाद में फिर नाम चेंज करके इसमें कुछ और भी चीज़ जोड़े गए, कुछ कंक्लूजन किया गया और उसको फिर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया प्लान, ठीक है। तो ये लागू किया गया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लागू किया गया, ठीक है। तो NEGP के अंदर क्या क्या टर्म्स था, NEGP 1.0 के अंदर क्या था, डिजिटल इंडिया के अंदर क्या है, इसके 9 पिलर्स क्या क्या, ये सब चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे जब मैं आपको गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा, जो मैं बोला था कि नवंबर में बनाऊंगा वीडियो, ठीक है, उसमें मैं आपको सारा चीज़ को कवर कर दूंगा। तो ये चीज़ था मेरा बेसिक कि ICT अपने देश में आया कैसे, ठीक है। अब मैं आपको टूल्स ऑफ ICT का आज फर्स्ट टॉपिक बता देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। टूल्स ऑफ ICT, देखिए, टूल्स ऑफ ICT, टूल्स ऑफ ICT का जो सबसे पहला टॉपिक था वो था क्या? पोस्ट। पोस्ट मतलब क्या? डाक। आज़ादी के टाइम से ही आप अपने देश में ये पोस्ट ऑफिस और ये सब चीज़ देख रहे होंगे। असल में ये अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा था अपने देश में, ठीक है। सबसे पहले इसका यूज किया जाता था सिर्फ जब बहुत पहले जब पोस्ट की शुरुआत की गई थी तो इसको सिंपली सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही ओपन किया गया था। मतलब कि सिर्फ सरकारी चिट्ठियाँ आती थी जाती थी ब्रिटिश के टाइम में, ठीक है। लेकिन बाद में इसको ओपन कर दिया गया सिटीजन्स के लिए भी, ठीक है। तो इसमें एक नाम है लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, कमांडर थे, उनको माना जाता है इस पोस्ट ऑफिस का जनक, ठीक है। उन्होंने ही अपने देश में पोस्ट की शुरुआत की थी। और इसमें क्या हुआ था, सिटीजन्स को इससे जोड़ने के लिए, पोस्ट सर्विसेज को यूज करने के लिए सिटीजन्स को स्टाम्प की शुरुआत की गई थी। स्टाम्प, डाक टिकट, ठीक है, G2C, मतलब कि गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो स्टाम्प की शुरुआत की गई थी और इससे जो आम सिटीजन थे वो फिर पोस्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो अपने देश में लगभग 20,000 पोस्ट ऑफिस थे, ठीक है। बाद में फिर ये इंक्रीज होकर 3 लाख तक चले गए, ठीक है। और इनका फिर होता गया, आप देखे होंगे कि 1918-19 के बीच में
जो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मतलब माध्यम था वो था पोस्ट, क्योंकि हम लोग कुछ भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते थे तो हम लोग पोस्ट यूज करते थे। आप पोस्ट कार्ड लिखते थे, चिट्ठी भेजते थे, अंतर्देशीय लिफाफा भेजते थे, काफ़ी चीज़ था वो सब चीज़। 1918-19 के बीच में ज़्यादा फेमस था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही डिजिटल टेक्नोलॉजी आई तो उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल धीरे 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 कम होता चला गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया 1999 के बाद से गवर्नमेंट में देखा कि धीरे 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 पोस्ट का यूज कम होते चला जा रहा था। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इस पोस्ट ऑफिस को ई पोस्ट ऑफिस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और इनको बैंकिंग चैनल्स के रूप में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अभी भी आप देखे होंगे कि जब नई सरकार आई थी तो इन्होंने पोस्ट ऑफिस के डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। उन्होंने क्या बताया कि मैं इस पोस्ट ऑफिस को एज ए बैंक यूज करूँगा। मतलब क्या कि क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस थे इनकी जो रीच है ये गांव-गांव में आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि मैं इस पोस्ट ऑफिस को मतलब कि जहां भी लोगों के पास बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, काफ़ी रिमोट एरियाज में जहां बैंक के कोई ब्रांच नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम है, तो वहां पर ई पोस्ट ऑफिस के जरिए बैंकिंग सेवाएँ दी जा रही है, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस एज ए बैंक काम करना शुरू कर दिए। ये सब था कुछ बेसिक बातें। पोस्ट के लिए उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब ICT आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा से आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहिए, जिससे फिर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो सेकेंड टूल्स था हमारा वो क्या था, वो था सेकेंड जो टूल था वो था ऑडियो और रेडियो, ठीक है। रेडियो में सुनते ही आपको मन की बात याद आ रही होगी, मन की बात, ठीक है। तो और क्या चीज़ है इस रेडियो के बारे में, बहुत चीज़ें जाननी है हमें, रेडियो काम कैसे करता है, रेडियो का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, रेडियो का हम लोग क्या क्या यूज कर पाए आज तक, आज़ादी के समय इसका क्या योगदान था, सब कुछ, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो हो चुका है, जो चेंज नहीं होने वाला है। इसके अंदर और भी क्या करेंट अपडेट्स आए हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे कि नॉर्वे ने अपने देश में रेडियो को बंद कर दिया, वो फिर डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग का यूज कर रहे थे, ये सब चीज़ सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सेकेंड वीडियो में हम लोग ऑडियो वीडियो और TV को कवर कर लेंगे, ठीक है, चलिए ठीक है। Thank you.